हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एसएससी की तरफ से एक धमाकेदार अपडेट आ गई है। यदि आप एसएससी भर्तियों से जुड़े हुए हैं और हर अपडेट पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो दोस्तों, एसएससी की तरफ से अभी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नया नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस सीएचएसएल के बारे में है। अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में सीएचएसएल के एग्ज़ाम हुए थे। तो आप लोग जो उत्तर दे के आए थे वो, और एसएससी ने आपके प्रश्नों के क्या उत्तर मानी है, यानी कि आंसर की है, वो रिलीज हो गई है। यदि आपने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था इन डेट के बीच में, तो आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। और ये जो लिंक है आपका 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक काम करेगा दोस्तों, ठीक है। और यदि आपको किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है, कोई लगता है कि एसएससी ने कोई उत्तर गलत बता रखा है लेकिन उसका राइट उत्तर कुछ और होना चाहिए था, आपके पास उस चीज़ के प्रूफ भी है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन भी आपके 23 तारीख तक ही लगेंगे, और एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन लगाने के 100 रुपये लगेंगे। तो यदि आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अपनी आंसर की चेक कीजिए, और आपके कितने नंबर हैं ये आप संभावित चेकआउट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके नंबर कितने बनते हैं, ताकि पता चल जाए कि सीएचएसएल की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को ऑन कर ले, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।